नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल आरके लौटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको एनिवर्सरी वीडियो बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव में या फिर आपका जो है एनिवर्सरी आता है तो आप उनको क्या करते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी करके विश कर देते हैं सिंपल सा। तो आप उनके लिए अगर वीडियो बना के उनको एनिवर्सरी विश करेंगे तो आप उनका दिन बहुत ही खास और स्पेशल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर का या फिर अपने फैमिली वालों का जिनका भी एनिवर्सरी, उनका दिन खास बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको एनिवर्सरी के लिए वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनिवर्सरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है एनिवर्सरी ऐप। क्या सर्च करना है? एनिवर्सरी ऐप। तो ये सर्च कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए एनिवर्सरी वीडियो मेकर विथ सॉन्ग एंड म्यूजिक लिखा है, इसको आपको टच कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा है, आपको जो है डाउनलोड करना होगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अब ये ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे स्लाइड शो लिखा है, इसको आपको टच करना है। तो इसको अब देखिए यहाँ पे जो है सिंगल फोटो मल्टीपल फोटो लिखा है, तो यहाँ पे जो है ये मल्टीपल फोटो है, इसको आपको टच कर लेना है। तो इसको टच कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका जो गैलरी वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं, जो भी फोटो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड, यहाँ से मैं फ़ोटो ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 5 फोटो लिया हूँ, आप चाहो तो बहुत सारा फोटो ले सकते हैं। फिर यहाँ से ऊपर में आप जो नेक्स्ट दिख रहा है, इसको आपको टच कर लेना है। तो इसको टच कर लेंगे। फिर ये कंटिन्यू को आपको टच करना है, तो इसको टच कर लेंगे। फिर ऐड को यहाँ से क्लोज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको टच कर लेंगे एक बार। और फिर यहाँ पे देखिए स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप जो एनिवर्सरी वाला ये जो ग्रेटिंग है इसको आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं वीडियो के, तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा है, देखिए मैं आपको एक लगा के बता देता हूँ, इसको लगा दे। अब यहाँ पे देखिए एंड लिखा है, तो एंड को टच कर लेंगे। फिर यहाँ पे एंड में आप ये वाला जो वो दिख रहा है, ग्रेटिंग दिख रहा है, इसको आप एंड में लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको कर दिया मैंने। आप किसी और को भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में नेक्स्ट दिख रहा है, इसको टच कर लेना है। फिर यहाँ पे ऐड को यहाँ से क्लोज कर लेना है। अब देखिए हमारा वीडियो जो है वो बन गया है, काफ़ी अच्छा इस तरीके से। तो वीडियो का जो ये आ रहा है स्लाइड जो है, इसको आप इसमें से चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत सारा है यहाँ पे, ये देखिए, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहते हैं वैसा चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा है यहाँ पे देखिए, तो ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है तो इसी को मैं रख रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। या अब यहाँ पे देखिए नीचे में ये फ्रेम लिखा है, इसको आपको टच कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये ऐड आ गया है, ऐड को यहाँ ऊपर से क्लोज कर लेंगे। यहाँ से ये क्लोज हो गया ऐड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा फ्रेम है, तो आप जो भी फ्रेम चाहते हैं इसमें देखिए ये इस तरीके से उसको आप लगा सकते हैं। इसमें आपको जो अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाला रहने देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए बगल में म्यूजिक लिखा है, म्यूजिक को टच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन म्यूजिक है, और यहाँ पे देखिए एक बगल में म्यूजिक है, यहाँ पे फाइल मैनेजर है। तो ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर म्यूजिक में आप म्यूजिक ले सकते हैं, या फाइल मैनेजर से म्यूजिक ले सकते हैं। तो यहाँ म्यूजिक से मैं एक म्यूजिक ले दे रहा हूँ। फिर मैं आपको करके इसको आपको क्या करना है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो मैं ये इसको टच कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा ऊपर से। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा साउंड बढ़ा के बता दे रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ से आप चाहते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो म्यूजिक का टाइमिंग है या सॉन्ग का टाइमिंग है उसको आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो आपको जितना ज़रूरत है उतना आप कर लेंगे इस यहाँ से। यहाँ पे अब ये ऐड हो चुका है पहले से, मैं आपको फिर वापस आके यहाँ पे बताया हूँ, तो एक बार और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो वीडियो वो तैयार हो गया है, ये काफ़ी अच्छा देखिए वीडियो इतना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से वीडियो बना के आप जिसको भी एनिवर्सरी विश करेंगे अपने पार्टनर को या फिर अपने रिलेटिव को, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिन काफ़ी खास हो जाएगा, काफ़ी अच्छा होगा उनका दिन। तो इस तरीके से वीडियो बना के आप उनको भेज सकते हैं या फिर स्टेटस डाल सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर में जो एक्सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से आप जो है वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये वीडियो हम लोग का तैयार हो रहा है, तो ये हमारा वीडियो तैयार हो गया है। अब यहाँ से आप जो है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर गैलरी में शेयर करना चाहते हैं, गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो ये मोर लिखा है, इसको टच कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आप ये जो कॉपी टू लिखा है, फाइल में कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से।
तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में से सेव कर सकते हैं या फिर एचडी कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। मैंने इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।